Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about RBSC class 10th. दसवीं कक्षा राजस्थान बोर्ड की जो है, जिसमें दो किताबें हैं आपकी, तो इसमें किताब जो रेनबो है उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, यानी बिश्नोईयों की कहानी. आज जो है हम बिश्नोईयों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. तो बिश्नोईज कौन होते हैं, ये आपने सुन रखा होगा, और उनके बारे में क्या क्या बातें सुन रखी होगी, और एक्चुअल में उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. तो आप अपनी किताब खोल लें और उसके सामने देखते रहें, ताकि आपको इजी वे में आसानी से एक एक चीज़ समझ में आ जाए. तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि भाई लेखक कौन है, और इसको लिखने के चैप्टर में क्या दे रखा है, किस बारे में ये चैप्टर होगा. तो यहाँ देखिए, आपको अबाउट द ऑथर में आपको माधव गाडगिल जो है इसके लेखक है. तो माधव गाडगिल ने क्या लिखा है, देखो, माधव धनंजय गाडगिल बोर्न इन 1942 में इनका जन्म हुआ एज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट. इकोलॉजिस्ट का मतलब, इकोलॉजी होती है पारिस्थिति, तो पारिस्थिति तंत्र का जो साइंस है वो है. पारिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करने वाले एकेडमिशियन यानी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है. राइटर यानी लेखक है. कॉलमनिस्ट यानी अखबार में जो कॉलम संपादकीय वगैरह आते हैं वो लिखने वाले, कॉलम लिखने वाले हैं. एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, और संस्थापक है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस के. ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ द वोल्वो एनवायरमेंट प्राइज, और इनको जो है वोल्वो एनवायरमेंट प्राइज मिल चुका है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड इन द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पद्मश्री इन 1981, और भारत सरकार ने नागरिकों को दिए जाने वाला 4th सबसे उच्च पुरस्कार जो है पद्मश्री, ये इनको प्रदान किया गया था 1981 में. एंड ऑल्सो द पद्म भूषण इन 2006, और 2006 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया. तो ये सारे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए. अब पढ़ते हैं अपन इस स्टोरी के बारे में, इस चैप्टर में क्या दे रखा है. तो देखो, दिस टेल इज अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी, यानी ये टेल का मतलब कहानी. ये जो कहानी है अबाउट बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समुदाय के बारे में है. दैट ब्रॉट ए ड्रेस्टिक चेंज इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान, जिसने कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है परिस्थिति तंत्र में मारवाड़ में. राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ का क्षेत्र है, उस मारवाड़ के क्षेत्र की परिस्थिति तंत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव इन्होंने किया है. दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज, ये एरिया, ये क्षेत्र जो है सदियों से बहुत ज़्यादा शुष्क था. वेर ट्रीज एंड एनिमल्स वर नॉट इन असफिशियंट नंबर, जहाँ पर पेड़ और जानवर पर्याप्त संख्या में नहीं थे. द बिश्नोईज सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड द खेजड़ी ट्री एंड डिड ए बिग प्लांटेशन इन द एरिया, और जो बिश्नोईज है, बिश्नोई लोग जो है, उन्होंने सेक्रीफाइस यानी बलिदान दिया है देयर लाइव्स, अपने जीवन का, टू गार्ड रक्षा करने के लिए द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ की. एंड डिड ए बिग प्लांटेशन, और बहुत बड़ा प्लांटेशन, पौधारोपण किया गया इन द एरिया, इस क्षेत्र में. दे कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे कंट्रीब्यूटेड यानी इन्होंने योगदान दिया है, ए ग्रेट डील यानी बहुत सारा, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने में बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों की रक्षा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और मारवाड़ की जो परिस्थिति की तंत्र है इसको बदलने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. अब अपन चैप्टर को शुरू करते हैं, वन बाय वन, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और उनके मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई इसमें क्या गया है. तो देखो, टुडे मारवाड़ इज अ ट्री लेस वेस्ट सैंड waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear or babool tree. अभी कह रहा टुडे यानी आज, मारवाड़ इज, मारवाड़ है ट्री लेस, ट्री लेस का मतलब पेड़ पौधे विहीन,
वेस्ट ऑफ सैंड, वेस्ट यानी व्यर्थ है, बेकार है, सैंड यानी मिट्टी एंड रॉक्स यानी चट्टान, कहीं पर तो रेगिस्तान है और कहीं पर चट्टान है, बहुत कम पेड़ पौधे, ट्री लेस है, पेड़ पौधे रहित है, द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, और यहाँ उगने वाली चीजें जो है वो मात्र ये चीजें हैं, द थॉर्नी, थॉर्नी का मतलब है कांटेदार श्रब्स यानी झाड़ियां, यहाँ उगती है तो सिर्फ कांटेदार झाड़ियां, जिसमें क्या है अ फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, जिसमें कुछ छोटा सा जो घास है वो, एंड अकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, या कभी कभार जो है कम विकसित बेर और बबूल के जो पेड़ है वो यहाँ उगते हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोज ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, अभी कह रहा लेकिन बट इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली का मतलब है आपको विश्वास नहीं होगा, यू कैन, बट इनक्रेडिबली यू कैन यानी आपको विश्वास नहीं होगा, इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान के अंदर भी, कम अक्रॉस का मतलब मिलना, द ओल्ड विलेज यानी कुछ गांव ऐसे मिल जाएंगे विद ग्रोज, ग्रोज का मतलब कुंज, पेड़ पौधों का जो कुंज, बहुत सारे पेड़ों का समूह, ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, अच्छी तरह से पले बड़े खेजड़ी के पेड़ों के बगीचे, खेजड़ी के पेड़ों के कुंज आपको मिल जाएंगे। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस, दिस कजन ऑफ द बबूल यानी ये बबूल का जो चचेरा पेड़ है, इज द कल्प वृक्ष, ये क्या है, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का मतलब जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेस यानी वह ट्री, वह पेड़ जो सारी विशेस को, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. अब देखो कैसे, कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करने वाला है। A full grown camel यानी एक पूरा पला बड़ा ऊंट जो है, यानी विशाल का ऊंट, can enjoy आनंद ले सकता है midday का मतलब दिन की, दोपहर की, siesta का मतलब नींद, in its shade इसकी छाव में, भी सुस्त आ सकता है ऊंट जो है इसकी छाव में सुस्त आ सकता है। इट्स फोलियज नरिशेज गॉट्स और इसकी फोलियज यानी जो पत्तियां हैं नरिशेज पोषण करती है गॉट यानी बकरियों की, सीप भेड़ों की, कैटल पशुओं की एंड कैमल ऊंटों की, इसकी खेजड़ी की पत्तियां जो है वो पोषण करती है भेड़ बकरी पशु ऊंट आदि की। इट्स पोर्स कैन बी मेड इनटू डेलिशियस करी और इसकी पोर्स यानी इसके जो फल है जिसको अपन सांगरी या खोखा बोलते हैं, तो सांगरी कैन बी मेड इनटू डेलिशियस करी, उससे शानदार स्वादिष्ट करी कड़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मोरोडिंग एनिमल्स और इसके थॉर्न, इसके कांटे जो है गार्ड्स यानी रक्षा करते हैं फार्मर्स फील्ड किसानों के खेतों की अगेंस्ट द मोरोडिंग एनिमल्स, मोरोडिंग एनिमल्स का मतलब जो एनिमल्स जानवर उस खेत में घुसने की ताक में रहते हैं उनको घुसने से खेतों की रक्षा करने का कार्य करती है। तो देखो खेजड़ी कितना सारा काम करती है, एक तो ये छांव प्रदान करती है, चाहे वो ऊंट है या कोई भी जानवर है उनको छांव प्रदान करती है, इसकी पत्तियां जो है बकरियों भेड़ों पशुओं और कोट के लिए बहुत ही पोषक होती है, और इसकी फल जो है सांगरी है उससे स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है, और इसके कांटे जो है उनसे खेतों की रक्षा के लिए मेड़बंदी के लिए भी काम ली जा सकती है। इस प्रकार रेगिस्तान में ये एक कल्प वृक्ष की संज्ञा इसको दी गई है। और यहाँ तक लोग तो बताते हैं कि जब छपने का अकाल पड़ा था और लोगों के पास खाने पीने के लिए खाने के सामान अनाज समाप्त हो गया था, तो उस वक्त लोगों ने इसी खेजड़ी पेड़ के जो छाल होता है उस छाल को उतार उतार कर उनको पीस कर उनकी रोटियां बनाकर भी खाई थी, यानी इसको अनाज के रूप में भी प्रयोग किया था, इतना गुणकारी है ये खेजड़ी का पौधा, खेजड़ी का वृक्ष, और इसीलिए इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आगे देखो, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार का समय था, एक ऐसा समय था, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे,
यानी डेजर्ट ऑफ मारवाड़, यानी मारवाड़ का जो ये रेगिस्तान है, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, जो कि नहीं जीता गया था, अभी तक इसको किसी ने जीता नहीं था, द वास्ट टेरिटरी, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, ओवर विच होल्ड स्वे टूडे, जो कि आज प्रतीत हो रहा है, इससे कई बड़ा ये उस समय का क्षेत्र था. इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज टूडे, यहां तक कि लेकिन क्लाइमेट जो है, जलवायु वैसा ही था जैसा कि आज है. जिस प्रकार की जलवायु आज पाई जाती है, उसने उपोष्ण जलवायु है, तो वैसी ही जलवायु उस समय थी. द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और ये जमीन जो है कवर थी, ढकी हुई थी, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड, यानी हजारों हजारों ऑफ खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों से. एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर केयर सांगरी, और यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रचुर मात्रा में थे बेर केयर. केयर जो है वो सब्जी बनाने के काम आते हैं, केयर के पेड़ के केयर लगते हैं, अचार में खाए होंगे आपने. सांगरी खेजड़ी का जो फल होता है उसको सांगरी बोला जाता है, जिससे कड्डी भी बनाई जा सकती है, सब्जी भी बनाई जा सकती है, अचार भी बनाया जा सकता है, और पंचकूटा जो बनता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है. दीज प्लेन्स वर होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स. दीज प्लेन्स यानी ये जो मैदान है, वर थे होम यानी घर, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स. एंटीलॉप्स का मतलब है ब्लैक बक, कृष्ण मृग. तो ये हजारों कृष्ण मृग जो थे, काले कलर के जो हिरण थे, उनका आश्रय स्थल था. ब्लैक बक्स, एंटीलॉप्स, एंटीलॉप में ये सारी चीजें आ गई. ब्लैक बक, चिंकारा, चिंकारा जो कि हिरण अपना राज्य पशु भी है, नील गाय, ये सारे एंटीलॉप की श्रेणी में आएंगे. तो इनका ये क्षेत्र था. एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर भील जनजाति के लोग यहाँ निवास करते थे. अब ये प्राचीन समय की बात है, जब इस पर किसी का आधिपत्य नहीं था, राजाओं ने इसको अपने कब्जे में नहीं लिया था. अब देखते हैं आगे उसके बाद क्या हुआ. भील ट्राइबल्स जब रहते थे, इसके बाद कैसे वो गायब हुए. अबाउट 3000 ईयर्स अगो, यानी लगभग 3000 साल पहले. 3000 साल पहले क्या हुआ. होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर, होर्ड्स का मतलब ग्रुप, समूह ऑफ कैटल कीपर्स. कैटल कीपर का मतलब पशुओं को चराने वाले. पशुओं को चराने वाला जो समूह होता था, बिगेन टू पोर इनटू इंडिया, वो इंडिया आना शुरू हुआ. फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी पश्चिम और मध्य एशिया से जो चरवाए थे, पशुओं को चराने वाला जो समूह होता था, वो यहाँ आया लगभग 3000 साल पहले. आज भी आप देखते होंगे कि जो रेवड़ चराते हैं वो 4-4, 6-6 महीने तक जो है अपने रेवड़ के साथ ही रहते हैं. उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता. जहां भी उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है रेवड़ के लिए, वो इनको लेके चलते रहते हैं. इसी प्रकार से वो पशु चारने वाले जो लोग हैं, वो पश्चिमी और मध्य एशिया से 3000 साल पहले यहाँ आए. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ लोग यहाँ मारवाड़ में आकर बस गए. द भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, और यहाँ जो रहने वाले भील लोग थे, इन्होंने रेसिस्टेड यानी विरोध किया देयर एनक्रोचमेंट, इनके अतिक्रमण का. बट द इन्वेंडर्स, लेकिन जो आक्रमणकारी थे, हैड हॉर्सेज, उनके पास घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और अच्छी किस्म के हथियार थे. एंड प्रेटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, और उन्होंने बहुत कम समय में भीलों से अपना साम्राज्य हड़प लिया, छीन लिया, या भीलों को उन्होंने सेटल कर दिया. In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravalli. और इस प्रकार से ये जो बहुत बड़ा जो boundless यानी बिना किसी रुकावट के ये जमीन थी, ये हुई, और यहाँ से Bhil धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए, वो Aravalli की तरफ चले गए. The population of Marwar was on the increase. और मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो निरंतर बढ़ती गई. बट एज सेंचुरीज पास्ड, लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती,
द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में जो हर्ड था, जो पशुओं का जो झुंड था, हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड, बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, उसने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब बहुत सीमित एरिया में बहुत ज्यादा संख्या में पशु चारण करेंगे तो पशु क्या करेंगे, जो भी वनस्पति होगी उसको खा लेंगे, वो भूख मिटाने के लिए कुछ तो खाएंगे, तो जो भी उपलब्ध होगा वो खाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ की जो वेजिटेशन थी, वनस्पति थी, इसको प्रभावित करना शुरू किया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। और जो भी सीडलिंग्स होते थे, जो सैपलिंग्स होते थे, छोटे पेड़ पौधे होते थे, उनको चर लेती थी ये पशु और उनके बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते थे, यानी वो बढ़ नहीं पाती, जैसी बड़ी होती फिर से खा लेते। इन्वेंटर्स एंड द ट्राइबल बील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। अब जो यहाँ आक्रमणकारी लोग जो थे, जो बाहर से आए थे, और जो भील ट्राइबल जनजाति के लोग थे, उन्होंने यहाँ सस्टेन यानी यहाँ पर जो है रहना और अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। फाइनली द 13th century AD और अंततः 13वीं शताब्दी ईस्वी में, 13वीं सदी में, सा द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय राठौड़ ऑफ कन्नौज। और 13वीं सदी में अंततः जो कन्नौज के राठौड़ थे, उन्होंने भीलों से यहाँ विजय प्राप्त कर ली। ये जो भीलों का क्षेत्र था, यहाँ 13वीं सदी में कन्नौज के जो राठौड़ वंश के शासक थे, उन्होंने इन पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। और इस प्रकार से अब राजपूत शासक जो थे, उन्होंने पूरे मारवाड़ पर शासन करना शुरू कर दिया। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पिपासर। अभी कह रहे हैं 1451 ईस्वी में जब शासन था, रेन का मतलब शासन था किसका, राव जोधा जी, राव जोधा का शासन था, जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था, जोधपुर का नाम राव जोधा के ऊपर ही है। तो जब राव जोधा का शासन था 1451 ईस्वी में, उस समय वन ऑफ द ब्रेवेस्ट यानी सबसे बहादुर जो है ऑफ द राठौड़ किंग्स, राठौड़ों के राजा थे राव जोधा जी, राठौड़ों में बहादुर शासकों में इनकी गिनती होती है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न। तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण चाइल्ड, बालक वॉज बोर्न, पैदा हुआ इन द विलेज ऑफ पिपासर, पिपासर में भी राव जोधा जी के समय 1451 ईस्वी में पिपासर गांव में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट। और उनके पिताजी जो थे गांव के मुखिया थे, हेडमैन थे, जिनका नाम था ठाकुर लोहट जी। एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी और उनकी माता जी का नाम था हंसा देवी। जो बालक पैदा हुआ पिपासर गांव में, उस समय तक आज पिपासर नागौर में है, उस समय नागौर परगना भी जोधपुर के अधीन ही आता था। तो ये नागौर परगने के अंदर पिपासर गांव में जब पैदा हुए, ठाकुर लोहट जी उस गांव के मुखिया थे, ठाकुर थे, और इनकी माता जी का नाम था हंसा देवी, यानी लोहट जी की पत्नी का नाम था हंसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बा जी और इस बच्चे को, इस बालक का नाम दिया गया जाम्बा जी, इनको जाम्बा जी के नाम से पुकारा गया। अब जाम्बा जी क्यों कहा, इसके पीछे भी कई सारी जनश्रुतियां आपको मिलने को, सुनने को मिल जाएगी। मैंने जो सुन रखी है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चमत्कार किया करते थे, बहुत कम उम्र में, जब 7 साल के थे, ये बोलते नहीं थे, तो इनके पिताजी ने एक उसको बुलाया, तांत्रिक को, खेमन राय नाम का एक तांत्रिक था, उसको बुलाया और उसने कहा कि भाई मैं अपनी तंत्र विद्या से इसको बुलवा दूंगा। तो उन्होंने कहा तेरे को जितना दान संपदा धन चाहिए ले जाना, मेरे बच्चे को बुलवा दे। तो उसने आकर यहाँ तंत्र विद्या से खूब सारा प्रयास किया, लेकिन ये बालक बोला नहीं। तब जो है उन्होंने अंतिम बहाने के रूप में कहा कि ये जो कच्ची मिट्टी के दीपक बने हुए थे,
कि ये दीपक जल नहीं रहे हैं, अगर मेरे ये दीपक जल जाए तो ये बच्चा बोल सकता है। तब ये 7 साल के जब जांबा जी थे, इन्होंने वहीं पास में एक कुआ था, उस कुएं में से एक जो सूत की कुकड़ी थी उससे बांध कर, डोर बांध कर उसमें से पानी निकाला और वो पानी उन दीपक में डाला और उसी कुकड़ी की जो जिससे रुई से अपन बाट बनाते हैं उसको दीपक में रखा और एक चुटकी बजाई, सारे के सारे दीपक पानी से जलने लगे। तब जो है वो ये खेमल राय धाम का तांत्रिक था, ये समझ गया कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में कोई अवतारी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है और इनके चरणों में गिर गया। और यहाँ के लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कि इस तरह का चमत्कार हुआ है तो मारवाड़ी में चमत्कार हो कहते हैं अचंबा, हिंदी का भी एक शब्द है अचंबा, तो अचंबा अचंबा, तो अचंबा कहते कहते हट गया और जांबा जांबा शुरू हो गया और फिर जांबो जी पड़ गया। एक जनश्रुति के अनुसार ये है, हो सकता है दूसरा भी कोई कारण रहा हो। तो उन बच्चे का नाम जो क्या पड़ा, जांबा जी एज अ लिटिल बॉय। और जब ये छोटे बालक थे, ही वॉज गिवन टू टास्क फॉर लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटलैंड्स। और जब ये छोटे बालक थे तो इनको टास्क यानी काम सौंपा गया, क्या काम सौंपा गया, लुकिंग आफ्टर, देखभाल करने का हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, अपने पिताजी की जो बहुत ज्यादा संख्या में जो पशुओं का झुंड था, गायों का झुंड था, इस झुंड को देखभाल की यानी गायें चराने का काम इनको सौंपा गया। और ये अपना ज्यादातर समय गायें चराने के लिए बिताते थे। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of khejdi tree and watch the herds of black buck. Jambaji was fascinated by the lithe grace. अब देखो, it was great fun. ये उनके लिए बहुत आनंद का काल था, आनंद का समय था, to take the animals out grazing. Animals को, पशुओं को चराने के लिए बाहर ले जाना, lie in the shade of khejdi tree, खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करना, एंड वॉच द हर्ड ऑफ ब्लैक बक, और ब्लैक बक यानी कि जो कृष्ण मृग है उनके झुंड को देखना। जांबाजी वाज फैसिनेटेड, यानी जांबाजी बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हुए, प्रभावित हुए बाय द लीथे, लीथे का मतलब जो चाल है, ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, ये जो एंटीलोप था, जो ब्लैक बक था, इस ब्लैक बक की चाल को देख के, उसकी मनोहरमता चाल को देख कर उनको बड़ा आनंद आता था देखने में। द थॉट दैट देयर वॉज नो साइट, नो स्लाइट साइट मोर इंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। और ये कह रहा है यहाँ जो सबसे खूबसूरत साइट होती है वो देख, इसकी दो जो स्टैग्स होते हैं, दो बारहसिंह, दो ब्लैक बक की जो आपस में लड़ाई होती है, वो लड़ाई देखने में बड़ी बहुत ज्यादा एंथ्रेल करने वाली होती है, रोमांच से भर देने वाली होती है। तो इस प्रकार से आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें 1451 ईस्वी में जब बालक का जन्म हुआ और इनको काम सौंपा गया अपने पिताजी की गायों को चराने का, और ये गायों में चराते थे, जंगल में जाते थे और गायों को चराने का कार्य किया करते थे। When Jambaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. अब जब जांबाजी 25 साल के हुए तब ए ग्रेट डिजास्टर यानी बहुत बड़ी आपदा आई, ओवरटुक द होल रीजन, जिसने कि पूरे रीजन को, पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, यानी पूरे क्षेत्र में एक भीषण आपदा आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टूगेदर। अब मारवाड़ में वैसे भी वर्षा कम ही होती है, तो जो थोड़ी बहुत मात्रा में बरसात हुआ करती थी वो भी अब बिल्कुल ही बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कौन थे, पशु। खाने का अनाज तो कितना चाहिए, सबसे ज्यादा तो चारा ही चाहिए पशुओं को खिलाने के लिए, अपन तो कितने दो बोरी ला के रख दो, धान 2 महीने चल जाएगा, लेकिन जिनके घरों में मवेशी है, पशुधन है, उनके लिए, पशुधन के लिए चारा उपलब्ध होना ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बुरी हालत इनकी पशुओं की थी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, और ये अकाल जो था, जब अकाल के पहले साल, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस,
पहले साल तो कोई बात नहीं कि बाजरा के जो स्ट्रो थी यानी जो बाजरा का चारा था जिसको अपन कुतर बोलते हैं, ये स्टोर करके रखा था, उससे चल गया एक साल का समय तो निकल गया कि भाई साल भर का चारा तो लगभग हर किसान अपने स्टोर करके रखता ही है कि भाई जब भगवान भरोसे खेती है, क्या पता बारिश अच्छी हो, फसल अच्छी हो नहीं हो, तो कम से कम 4-6 महीने का चारा वो स्टॉक में करके रखते हैं। तो इस तरीके से पहला साल तो उनका निकल गया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन अब दूसरा साल बहुत बुरा था। There was not a blade of grass left standing anywhere. घास का एक तिनका भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, एक तिनका भी नहीं बचा। People hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves. और जो कोई भी पेड़ नजर आता, लोग उसको पकड़ के उसकी पत्तियों को तोड़कर अपने पशुओं को खिलाते थे। बट इवन सो देर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर द हंग्री एनिमल्स, लेकिन इतने से भी उन भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं था। यानी ये जो है सिस्टम पर्याप्त नहीं था, पशु फिर भी भूखे रहने लगे। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसिक्यूटिव ईयर्स, और ये ड्रॉट जो है ये सूखा लगातार 8 सालों तक रहा। 8 साल तक लगातार अकाल की स्थिति रही। अब एक साल में जब खाने का चारा समाप्त हो गया तो फिर पिछले 7 साल कैसे बीतेंगे, ये सोचकर आप कल्पना कर सकते हो। तो इस प्रकार से अकाल लगातार 8 साल तक अकाल रहा। अब जब अकाल ज्यादा समय तक रहेगा तो लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी है। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलियज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, और इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, एक एक करके पेड़ों की जितनी भी पत्तियां थी लास्ट पत्ती तक जो है खिला दी। एंड फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और धीरे धीरे पेड़ सूखने लग गए। वेन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज एग्जॉस्टेड पीपल एट खेजड़ी पोर्ट्स एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेयर सीड्स। ये देखो जो मैंने बात कही थी ना अकाल के समय, तो वेन द स्टोर्ड ग्रेन यानी जब स्टोर किया हुआ अनाज खत्म हो गया, वॉज एग्जॉस्टेड यानी खत्म हो गया, पीपल एट लोगों ने खाई खेजड़ी पोर्ट्स, खेजड़ी की सांगरी और उसके जो छिलके हैं पेड़ के। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और बेर के जो सीड्स है यानी गुठलियां जो है उनको पीस पीस कर उनका अनाज बनाकर, उनका आटा बनाकर, उनकी रोटियां बनाकर उन लोगों ने खाई। वेन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड, और जब ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया, दे टॉर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्री एंड पाउडर्ड एंड कोक्ड इट। तो उन्होंने क्या किया, जो बार्क, टोर का मतलब हटाया, द बार्क यानी छाल ऑफ सांगरी ट्री यानी खेजड़ी की छाल को उखाड़ना शुरू किया। एंड पाउडर्ड, और उसको पीस कर पाउडर बना देते। एंड कुक्ड इट, और इसकी रोटियां बनाने लगे, यानी कि इसके छिलके जो थे छिलकों को पीस पीस कर आटा बना के उनकी रोटियां बनाकर भी लोगों ने खाई। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स एंड फाइनली दे अबेंडेंड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेस। और अब उन्होंने भूखा क्या न करता, मरता क्या नहीं करता, वही वाली बात हो गई। तो उन्होंने ब्लैक बक्स जो थे वहां भूख मरते उनका शिकार करना शुरू कर दिया, शिकार की घटनाएं घटने लगी, और धीरे धीरे वहां जो ये एंटीलॉप्स थे ये खत्म हो गए, और यहाँ की जनसंख्या भी थी वो धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगी, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले गए वो, क्योंकि यहाँ खाने को कुछ बचा नहीं था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, और 200,000 यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स यानी लाखों की संख्या में पशुधन पेरिश्ड यानी मर गए ऑन द वे, रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब रास्ते में वो चले तो कई पशुधन बीच रास्ते में ही खत्म हो गए, मर गए। बाई नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और इस प्रकार से पूरा जो क्षेत्र था ये वीरान हो गया। देर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट
फोर माइल्स टुगेदर, और यहाँ मीलों तक कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आता था, मीलों तक ढूंढने में भी पेड़ नजर नहीं आता था, नोर ए सिंगल काउ, नहीं कोई गाय नो और अ ब्लैक बक, या फिर ब्लैक बक या कृष्णमर्ग कोई नजर नहीं आता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जांबाजीज फादर। अब जो लोग ओनली पीपल होल्ड ऑन, जो लोग पीछे बचे वो लोग थे जो कि बिग लैंडलॉर्ड्स यानी बड़े बड़े जमींदार थे, लाइक जांबाजी इज फादर, जांबाजी के पिताजी की तरह, जो लॉर्ड जी ठाकुर थे, हेडमैन थे गांव के, इनकी तरह जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार लोग थे, वो पीछे बचे विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जिन्होंने कि बाजरे को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखा था, बचा कर रखा था, और सम हाउ यानी जैसे तैसे लास्ट एड चला थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, इस डिफिकल्ट टाइम्स में, इस कठिन समय में, इस प्रकार से जो है वही उन्हीं लोगों का यहाँ निवास रहा जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज के भंडार थे, बाकी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेटेड होके चले गए। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी आप जांबाजी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।